दोस्तों नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसानों के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारी संस्कृति में नहीं थी दोस्तों, न ही किसी घर में चाय पी जाती थी, बनाई जाती थी। लेकिन ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज आए और वो चाय हमारे संस्कृति में ठूंस गए। आज कहीं भी जाइए, अतिथि के रूप में आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत क्या जिंदगी की सबसे नेसेसरी हैबिट बना दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट में बहुत सारे लोगों को आदत होती है चाय पीने की। जैसे उठे, बेड टी के नाम पे आप सबसे पहले चाय आपने पी लिया। तो मैं बताता हूँ दोस्तों ये करता क्या है। खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है दोस्तों, और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूसेस आपके अमाशय में निकलते हैं, जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस के सेक्रेशन को, उनके निकलने के प्रोसेस को यह बंद कर देता है, कम कर देता है। जाहिर सी बात है गैस फॉर्मेशन होने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा नहीं। तो सबसे पहला घाटा आपको यह होगा कि आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे, और सारे रोगों की जड़ यह कब्ज ही है। तो अगर आप खाली पेट में चाय पी रहे हैं इसका मतलब है आप कब्ज को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ ही आपकी भूख को भी मार देगा। चलिए दोस्तों हम इसके दूसरे हार्मफुल इफेक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट जो चाय का है दोस्तों, कि अगर आप दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीते हैं तो समझिए कि आप नींद ना आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि ये इनसोमनिया का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। बहुत ज़्यादा चाय पीने से नींद ना आने की समस्या आपको होगी। दोस्तों तीसरा जो साइड इफेक्ट चाय का जो होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है दोस्तों। चाय का जो टैनिक एसिड है ये शरीर में जो खाना खाने के बाद जो आयरन तत्व आपके शरीर को मिलना चाहिए था, वो टैनिक एसिड आपके शरीर से आयरन छीन कर खुद के साथ बाइंड कर लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं समझिए कि आयरन की कमी आपको होगी ही, और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स की कमी, एनीमिया जिसको कहते हैं, ये रोग आपको होगा। चलिए दोस्तों अगले चीज़ की तरफ चर्चा करते हैं, अगले नुकसान की तरफ। दोस्तों चाय में कैफीन बहुत मात्रा में पाया जाता है, और कैफीन जो है ये इसमें कॉफ़ी से भी ज़्यादा कैफीन होता है, और ये जो हाई कैफीन कंटेंट है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है दोस्तों। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो खैर चाय पीनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक और बहुत ख़राब आदत जो हम लोग देखते हैं, कि चाय की आदत तो है ही, कहीं भी बाहर गए तो हम चाय ले लेते हैं, लेकिन बाहर में जो चाय बन रही होगी आपने उस पर ध्यान दिया होगा, वो लोग पुरानी पत्तियों को फेंकते नहीं, वो बर्तन में लगी रहती हैं, बार बार उसी में चाय बनती रहती है, फिर नई चाय डलाती है। तो इस तरह से जो है पुरानी पत्तियां जो विषैली हो जाती हैं, जो जहरीली हो जाती हैं, जो बहुत ही हानिकारक हो जाती हैं, उन पत्तियों का जूस चाय के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं। तो अगर चाय पीना इतना मैंडेटरी ही है तो कम से कम बाहर रोड साइड बन रही चाय तो बिल्कुल अवॉइड करें। घर पर आप चाय पी सकते हैं, लेकिन घर पर भी याद रखें कि बहुत सारे लोग थर्मस में गर्म चाय स्टोर करके रख लेते हैं और बहुत देर के बाद उसको पीते रहते हैं, तो ये बहुत ख़राब चाय है, ये बहुत खराबी आपके शरीर के साथ करेगा। साथ ही साथ चाय जब भी बनाएं चाय की पूरी पत्तियां फेंक दें, बर्तन साफ कर दें, फिर नई पत्तियों के साथ चाय बनाएं। दोस्तों एक और चीज़ चाय पीने के साथ होती है, चाय चूँकि हम लोग दूध वाली चाय पीते हैं, चीनी भी अच्छे खासा मात्रा में उसमें डाली जाती है, तो ये ओवरऑल मिला के एक चाय
के कप में कम से कम 40 से 50 कैलोरी आप इनटेक कर लेते हैं। और भूले न भटके, अगर हम लोगों ने 4-5 चाय पी ली, जो कि जनरली चाय पीने वाले लोगों में देखा जाता है कि 4 या 5 कप चाय तो दिन में पी ही लेते हैं, समझ लीजिए कि 250 से 300 कैलोरी आप अपने शरीर के अंदर कर रहे हैं। तो पहला तो काम ये करेगा कि ये आपके मोटापे को बढ़ाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा, मैं तो मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं खाता हूँ, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, लेकिन चाय के बहाने ही आप 300 कैलोरी अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि हो सके तो चाय पीना छोड़ दें, और अगर इतना ही ज़रूरी है तो दिन भर में 1 कप ही चाय पिएं, लेकिन बेड टी ना हो। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप कम से कम 2 गिलास पानी पी लें, 2 गिलास पानी पीने के बाद 15-20 मिनट के बाद ही चाय पिएं, हल्का कुछ खा लें तभी चाय पिएं। एक और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एक केस स्टडी ने बताया है कि बहुत ज़्यादा चाय पीने से ऑस्टियोफ्लोरोसिस नामक एक डिज़ीज़ हो सकता है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा लेते रहने से डेली फ्लोराइड कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो दोस्तों इतना ख़तरनाक और चौंकाने वाले नुकसान चाय के हैं, तो क्यों हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा घोल रहे हैं। हो सके तो चाय बहुत ही कम पिएं, दिन भर में 1 कप पिएं, और अगर हो सके तो इसे छोड़ दें। तो दोस्तों अगर आपको चाय पीना ही है तो आप हर्बल टी पिएं, ग्रीन टी पिएं, पर ये मिल्क वाली ये जो चाय है, ये प्रोसेस्ड चाय जिसमें प्रोसेस करने के दौरान बहुत सारे इसके तत्व निकाल दिए जाते हैं, वो कृपा करके ना पिएं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम इसी तरह के अपडेट्स आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।